हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीमेंस सिनामिक्स V20 वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे उसका कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है और उसकी पावर वायरिंग किस तरह की जाती है और उसे स्टार्ट किस तरह किया जाता है ड्यूअल स्टार्टर बना के। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये उसके कंट्रोल टर्मिनल्स है और ये उसके पावर टर्मिनल्स है। फ्रेंड्स, हम इसके प्रैक्टिकली भी देखेंगे फील्ड पर किस तरह कनेक्शन किया जाता है, बट पहले इसके ड्राइंग में समझ लेते हैं ताकि फील्ड पे समझने में हमें आसानी हो। तो पहले ड्राइंग में समझ लेते हैं कंट्रोल टर्मिनल हो गए, ये उसके पावर टर्मिनल हो गए, उसे बनाने के लिए स्टार्टर किस तरह से यूज करेंगे उसका कनेक्शन भी हम देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मोटोन और मित्सुबिशी ड्राइव बनाई थी, उनके कनेक्शन भी दिखाए थे। आप यदि उन्हें देखना चाहते हैं तो उनके कनेक्शन हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाके आप उस कनेक्शन को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है वो समझने से पहले ड्राइव को देख लेते हैं किस तरह फील्ड पे उसे कनेक्ट किया जाता है। तो पहले ड्राइव को हम समझ लेते हैं, पहले देख लेते हैं किस तरह कनेक्शन किया जाता है, फिर हम उसकी ड्राइंग बनाएंगे किस तरह उसके कनेक्शन हुए हैं, फिर उसे हम डायरेक्ट फील्ड पे देखेंगे एक एक वायर देख देख के कि किस तरह उसके कनेक्शन हुए। चलिए फ्रेंड्स, फील्ड पे देख लेते किस तरह उसके कनेक्शन हुए। फ्रेंड्स, ये हमारे पास सीमेंस सिनामिक्स V20 की एक ड्राइव है जिसमें हम आज देखेंगे इसकी पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है। उसे हम प्रैक्टिकली भी पहले ड्राइंग बना के भी देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल एक वायर को देखेंगे किस तरह कनेक्शन किया गया है। फ्रेंड्स, से ऊपर उसकी इनकमिंग सप्लाई है देखा जाए तो, और ये उसकी देखी जाए तो कंट्रोल वायरिंग यहाँ पे की जाती है। हमें ड्राइव किस तरह कंट्रोल करना है तो कंट्रोल वायरिंग यहाँ पे करेंगे हम। इसके अलावा नीचे यहाँ पे ये आउटपुट सर्विस सप्लाई है। फ्रेंड्स, पहले हम इसे ड्राइंग में देखेंगे, उसके बाद इसे प्रैक्टिकली कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले ड्राइंग इसकी बना लेते हैं किस तरह टर्मिनल टर्मिनल कनेक्शन हो गए। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा फील्ड पर किस तरह कनेक्ट किया जाता है, किस तरह उसकी वायरिंग की जाती है। अभी जस्ट आपने ओवरव्यू देखा है, अब उसके हम कनेक्शन का एक एक ड्राइंग को समझ लेते हैं किस तरह उसका कनेक्शन होता है। उसके बाद उसका कनेक्शन हम फील्ड पर देखें एक एक वायर, वो वायर किस तरह गया है और कहाँ पे गया है। तो फ्रेंड्स, पहले हम उसकी पावर वायरिंग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पावर वायरिंग जस्ट कुछ नहीं रहती है, ये मोटर में सप्लाई आती है, उसके लिए हम जनरली पावर वायरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, पावर वायरिंग देखी जाए तो ये हमारे RYB 3 फेज आ रहे हैं। तो क्या होगा, ये पावर L1 में चला जाएगा R फेज, L2 में चला जाएगा Y फेज और L3 में चला जाएगा B फेज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ऊपर की ओर देखा था, ये पावर वायरिंग में इनकमिंग चली गई ड्राइव में, अब यहाँ से जो आउट गोइंग निकलेगी सप्लाई से वो यहाँ पे जाएगी U में जाएगी, ये जाएगी V में और ये जाएगी W में। ये RYB इस तरह से हमारी मोटर में जाके कनेक्ट हो जाएगी और इस तरह हमारी मोटर की पावर वायरिंग हो जाएगी। जस्ट इनकमिंग आएगी ड्राइव में, इन ड्राइव से निकलने के बाद मोटर में सप्लाई चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, पावर वायरिंग में इतना ही होता है। तो फ्रेंड्स, पावर वायरिंग में जस्ट इतना ही होता है। अब उसे कंट्रोल वायरिंग के लिए उसको थोड़ा टर्मिनल से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, 10 वोल्ट का ये A1 है, A2 है, A01 है, 0 वोल्ट है, P+, P-, D1, D2, D3, D4, DC, 24 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0, 0। और ये देखिए, ये तो रिले के वायर होते हैं। हम चाहते हैं कि ड्राइव के साथ किसी और चीज़ को ऑन करे या किसी और चीज़ को ऑफ करे, तो उस के लिए रिले के पॉइंट्स होते हैं। ये कॉमन पॉइंट्स है, NO पॉइंट और NC पॉइंट है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी ड्राइव जब भी ऑन हो तो उसके साथ किसी और चीज़ को भी ऑन होना चाहिए, जस्ट लाइक उसका इंडिकेटर हो गया या अदर कोई मोटर हो गई, कि जैसे हमारी ये ड्राइव ऑपरेट हो तो वो मोटर भी या वो इंडिकेटर ऑन हो जाए। तो इसके लिए हम कॉमन से निकाल के NO में सप्लाई निकाल के उसे दे देंगे। और यदि हम चाहते हैं कि कोई चीज़ हमारी जब ड्राइव ऑन हो तो वो चीज़ ऑफ हो जाए, जस्ट लाइक ऑफ ऑफ इंडिकेटर, या कोई भी ड्राइव हो गई जब हम चाहते हैं कि हमारी ड्राइव जब भी स्टार्ट हो तो वो चीज़ ऑफ हो जाए, तो इसके लिए हम कॉमन से दे के NC से निकाल के उसे कनेक्ट कर देते। जस्ट लाइक इसमें रिले के 3 पॉइंट्स इसमें अलग से दिए हुए होते ऑक्सिलरी के लिए। अब फ्रेंड्स, इसकी कंट्रोल वायरिंग समझी जाए तो कंट्रोल वायरिंग में देखा जाए तो सबसे पहले जैसा हम मित्सुबिशी में S1, S2 और SC को शॉर्ट करते हैं, उसकी उसी तरह इसमें 0 वोल्ट को, तो उसके लिए हम 0 वोल्ट को और DC को शॉर्ट कर देंगे। इसे परमानेंट हम शॉर्ट ही रहने देते हैं, एक छोटा वायर का टुकड़ा लगा के DC को और 0 वोल्ट को हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, ये तो होगा, हमने शॉर्ट कर दिया। अब इसके लिए इसमें जनरली एक NC या NO पॉइंट कुछ भी कह सकते हैं, जिसके शॉर्ट होने के बाद
हमारी ड्राइव रन करती है तो वो जो पॉइंट देखा जाए उसका जो एनो पॉइंट होता है तो वो जनरली होता है 24 वोल्ट और D1। यदि हम फॉरवर्ड रोटेशन चाहते हैं तो 24 वोल्ट और D1 को शॉर्ट करेंगे, यदि हम रिवर्स रोटेशन चाहते हैं तो 24 वोल्ट और D2 को शॉर्ट करेंगे। बट हम जनरली ड्राइव से फॉरवर्ड रोटेशन ही लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक स्टार्टर लगेगा, तो स्टार्टर भी समझेंगे। तो क्या होगा, ये D1 से एक वायर निकलेगा। अभी हम इसे फील्ड पे भी देखेंगे किस तरह है। तो D1 से एक वायर निकला जो रिले में जाएगा, यहाँ पे ड्यूएल स्टार्टर बना है, अभी हम उसे बना के भी दिखाएंगे किस तरह बना है। ये ड्यूएल स्टार्टर से निकला और यहाँ पे जाके हमारे 24 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा जो, जैसे अब हम इसे ये रिले को देख लेते हैं किस तरह इसका ड्यूएल स्टार्टर बना है एनो और एनसी पुश बटन से। जैसे हम एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो दोनों जो टर्मिनल है शॉर्ट हो जाएंगे और हमारी ड्राइव रन करेगी। तो फ्रेंड्स पहले उस स्टार्टर को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स उसे हमने कई बार दिखाया है रिले के द्वारा किस तरह बनाया, हमने उसे पर्सनली भी उसका एक वीडियो बनाया, इसके अलावा मित्सुबिशी ड्राइव के कनेक्शन किया था उसमें भी दिखाया था, इसके अलावा इमोट्रॉन के जो कनेक्शन किए थे उसमें भी दिखाया था। तो इसमें भी जस्ट और व्यू के लिए समझ लेते हैं किस तरह कनेक्शन किया, जिसने पहले वाले वीडियो नहीं देखे उसके लिए बना देते और व्यू किस तरह बनाए। तो फ्रेंड्स अब रिले के कनेक्शन समझ लेते हैं, इससे ड्यूएल स्टार्टर किस तरह बना है। तो ये देखा जाए तो 8 पिन का हमने एक रिले यूज़ किया उसके लिए, ये फेज न्यूट्रल है, ये 220 है, यदि ये 24 वोल्ट होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये फेज न्यूट्रल हमने लिए 220 के। रिले में देखी जाए तो 2 नंबर और 7 नंबर रिले की कॉइल होती है, जिसमें हमें रिले को ऑपरेट करने के लिए उसमें सप्लाई देना होती है। 1 नंबर यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है और 4 नंबर एनो पॉइंट है, दैट मीन्स 1 में सप्लाई जाएगी तो रिले जैसे ही ऑपरेट होगा तो 4 नंबर से निकलेगी। और एनसी देखा जाए तो एनसी पॉइंट है 5 नंबर, जब भी रिले ऑपरेट होगा तो सप्लाई 5 नंबर से कट जाएगी। और दूसरा कॉमन पॉइंट देखा जाए तो इसमें 2 कॉमन पॉइंट होते हैं, जनरली 2CO रिले भी कहते हैं, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था, आप इसे देख सकते हैं। 8 नंबर इसका कॉमन पॉइंट है, 3 नंबर देखा जाए तो इसका एनसी पॉइंट है और 6 नंबर देखा जाए तो इसका एनओ पॉइंट है। फ्रेंड्स इससे रिले किस तरह बनेगा थोड़ा समझ लेते हैं। तो रिले के लिए देखा जाए तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो फेज होगा उसे, ये 220 का रिले हमारे पास, तो फेज को हमने दे दिया 2 नंबर में और 7 नंबर इसकी क्या है, 2 और 7 कॉइल है, तो 7 नंबर को यहाँ पे हमने दे दिया कॉइल में। इससे क्या होगा, हमारा रिले जस्ट ऑपरेट हो जाएगा। ये 24 वोल्ट और D1 जो पॉइंट है ये ड्राइव के पॉइंट है, हम शॉर्ट करेंगे। तो किस तरह शॉर्ट किए वो समझ लेते हैं। तब हम क्या करेंगे, यहीं से एक वायर की लूपिंग लेंगे, यहीं से एक वायर की लूपिंग ली, एक कॉमन पॉइंट में दे दिया, 1 नंबर कॉमन पॉइंट है। अब जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो 4 नंबर से निकलेगी, क्योंकि 4 नंबर एनो पॉइंट है, 4 नंबर से सप्लाई जैसे ही निकली वो यहाँ से जाके 2 नंबर में जाके चली जाएगी। तो जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो रिले यहाँ परमानेंट होल्ड हो जाएगा, इससे देखा जाए तो ड्यूएल स्टार्टर की तरह काम करेगा। जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारा रिले ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स एनसी और एनो पॉइंट भी होते हैं, देखे जाए तो ये एनसी पॉइंट होगा और ये एनओ पॉइंट होगा। तो पहले एनसी में आएगी फिर एनओ में आएगी, जैसे हम एनओ बटन प्रेस करेंगे हमारा रिले ऑपरेट होगा और रिले के ऑपरेट होने से यहाँ पे ड्यूएल बन जाएगा और यहाँ पे होल्ड हो जाएगी। अब फ्रेंड्स 24 वोल्ट हमारा रिले होल्ड होगा, अब 24 वोल्ट दूसरे कॉमन पॉइंट में जाएगा 8 नंबर में, और इसका देखा जाए तो एनओ पॉइंट कौन सा है, क्योंकि रिले अब ऑपरेट होगा तो रिले के एनओ पॉइंट से देखा जाए तो जो 6 नंबर है यहाँ से एक सप्लाई निकलेगी और ये D1 को शॉर्ट कर देगी। तो इस तरह हमारा जो रिले है, रिले के द्वारा हमारी ड्राइव का कनेक्शन हो जाएगा और इस तरह हमारी ड्राइव होल्ड हो जाएगी ड्यूएल स्टार्टर से। 8 नंबर में दिया और 6 नंबर उसके एनो पॉइंट से निकाल के D1 को शॉर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह हम हमारा जो स्टार्टर होता है वो रिले के द्वारा ऐसे शॉर्ट होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो जो समझा है उसे हम फील्ड पर देख लेते हैं किस तरह फील्ड पर कनेक्शन किया गया, प्रैक्टिकली कनेक्शन समझ लेते हैं। अभी तक हमने जो जो किया है, किस तरह इनपुट सप्लाई दी, किस तरह आउटपुट सप्लाई दी और किस तरह इसके पॉइंट को शॉर्ट किए हैं, तो हम फील्ड पर पहले इसे समझ लेते हैं। फ्रेंड्स आज हम सीमेंस के ड्राइवर के पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दिखेंगे, जिस तरह हमने ड्रॉइंग में समझाया था। ये देखा जाए तो सीमेंस ड्राइवर में L1, L2 और L3 है, यहाँ पर ड्राइव की इनकमिंग आई है जो जिससे ड्राइव को सप्लाई मिलेगी 440, तो ये इनकमिंग हो गई। इसके बाद देखा जाए तो हम देखेंगे इसके आउटगोइंग कहाँ से निकलती है। आउटगोइंग देखी जाए तो इसके नीचे से निकलती है, जो जनरली UVW होगा,
यहाँ से सप्लाई निकल के हमारी मोटर में चली जाएगी, थ्री फेज की जो मोटर होगी जो इससे रन होगी वो ड्राइव ये मोटर में चली जाएगी, यहाँ से UVW निकल के। तो ये हो गया हमारा पावर वायरिंग, तो हो गया इनकमिंग आउटगोइंग। ये से कंट्रोल टर्मिनल से फ्रेंड्स कंट्रोल टर्मिनल में देखा जाए तो हमने क्या किया, दो वायर शॉर्ट किए हैं। ये कैसे कैसे किए हैं थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जो हमारा देखा जाए ब्लू वाला वायर हो गया, जो ये इसके जो टर्मिनल से 10 वोल्ट A1 A2 0 वोल्ट PN फ्रेंड्स देखा जाए तो दो वायर हमने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा है, ब्लू वाला है और एक ब्लैक वाला है। ब्लू वाला देखा जाए तो 0 वोल्ट और D1C से शॉर्ट करके रखा है। ये फ्रेंड्स हमें हर ड्राइव में एक वायर को शॉर्ट करके रखा, जैसे मित्सुबिशी में हम S1 S2 और SC को शॉर्ट करते हैं उस तरह इसमें हमने 0 वोल्ट और D1C को शॉर्ट किया है। ये कंपलसरी है ड्राइव को रन करने के लिए, शॉर्ट करना ही होगा हमें। और ये देखा जाए D1 और 24 वोल्ट तो हमने ये रिले की सप्लाई से फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि रिले की सप्लाई किस तरह बनेगी ड्यूअल स्टार्टर में। हमने फ्रेंड्स इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही बनाया था तो आप उसे जरूर देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। तो D1C और 24 वोल्ट को हमने शॉर्ट किया है रिले के थ्रू जिससे हमारी मोटर को स्टार्ट होगी। तो ये 24 वोल्ट और इसके अलावा फ्रेंड्स हम यदि चाहते हैं पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करें तो पोटेंशियोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, 10 वोल्ट को A1 को और 0 वोल्ट को पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन के लिए तीन टर्मिनल जो यूज करते हैं। 10 वोल्ट में देखा जाए तो पॉजिटिव सप्लाई देंगे, A1 में देखा जाए तो रिफरेंस ड्राइव का पोर्ट का रिफरेंस यहाँ से जाएगा, कंट्रोल यहाँ से होगी और 0 वोल्ट में पोर्ट के तीन पोर्ट का निगेटिव जाएगा। और ये देखा जाए तो ये रिले के कनेक्शन दिए है D02 NC, D02 N1 एंड D02 कॉमन। इसमें फ्रेंड्स कॉमन एन और NC के तीन पॉइंट दिए गए। हम इसके द्वारा किसी और ड्राइव को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब हमारी ड्राइव स्टार्ट हो तो उसके साथ और भी कोई इंडिकेटर कनेक्शन या कोई ड्राइवर स्टार्ट हो तो उसके लिए हम इसके कॉमन और NO से सप्लाई निकाल के वहां पे दे देंगे। और हम चाहते हैं जब हमारी ड्राइव स्टॉप हो तो कुछ इंडिकेटर या कोई चीज जो हम और कनेक्ट करना चाहते हैं वो बंद हो तो इसके लिए हम NC से दे देंगे। इस तरह इसकी पावर और कंट्रोल वायरिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा फील्ड पे कनेक्शन किस तरह किए हमने। अब फ्रेंड्स अभी हम चाहते हैं कि हम ड्राइव के साथ एक पोटेंशियोमीटर को भी कनेक्ट कर दे। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन इसमें किस तरह किया जाता है। फ्रेंड्स हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है जिसके जनरली हर पोटेंशियोमीटर में तीन टर्मिनल होते हैं, 0 वोल्ट रिफरेंस और 10 वोल्ट। तो इसका कनेक्शन हम इस कंट्रोल वायरिंग में किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले देखा जाए तो जो 10 वोल्ट होता है पॉजिटिव होता है तो उसे हम यहाँ से ले जाके यहाँ पे 10 वोल्ट में दे देंगे। तो फ्रेंड्स हमने पोटेंशियोमीटर का जो 10 वोल्ट था प्लस पॉइंट था उसे हमने यहाँ पे 10 वोल्ट में दे दिया। फ्रेंड्स रिफरेंस देखा जाए तो रिफरेंस को हम यहाँ पे देंगे A1 में, पोटेंशियोमीटर का जो रिफरेंस होगा उसे हम A1 में देंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो जो हमारा 0 वोल्ट होगा वो हम यहाँ पे ले जाके 0 वोल्ट में दे देंगे। तो इस तरह हम पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन इस सीमेंस की ड्राइव में कर लेंगे। फ्रेंड्स इसके लिए हमें पैरामीटर मोड कंट्रोल सेटिंग का एक पैरामीटर सेट करना होगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम एक पोटेंशियोमीटर कनेक्शन का भी एक वीडियो बनाएंगे, किस तरह इसके पोटेंशियोमीटर का पैरामीटर सेट करते हैं, क्या वैल्यू सेट करते हैं, किस तरह कनेक्शन करते हैं। इसमें जस्ट हमने ओवरव्यू दिखाया था, इस पोटेंशियोमीटर कनेक्शन के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आपके लिए आगे और भी अच्छे वीडियो बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।